जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर हरियत से होंगे। जनाब आज की डेट है 7 जनवरी 2023 और मैं ये खड़ा हुआ हूँ DHA के सेक्टर सी के अंदर। और बेसिकली आज आपको यहाँ पर लाने का और दिखाने का मकसद ये था कि कुछ हजरात ये फरमा रहे थे कि DHA शायद डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं कहा चले मैं आपको दिखा दूं ताकि आप अपनी आंखों से देख सकें कि आज DHA कहाँ पर स्टैंड है। मैंने लास्ट वीडियोस भी काफ़ी की हैं तो जिसके अंदर मैंने बताया है कि सी सेक्टर का और जी सेक्टर का पोजीशन ये 2023 में होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपको आज साइड पे लेके चलता हूँ और आपको जाके दिखाता हूँ कि डेवलपमेंट कहाँ पर पहुँची हुई है और क्या स्ट्रक्चर है। ये आपके सामने देखें, कटिंग सारी हो चुकी हुई है, यहाँ से भी दिखाएँ सारा। एक एक गली बन चुकी हुई है, ठीक है, ये स्ट्रेट वे हो चुका हुआ है। अब इसके ऊपर बस रोड वाला मटेरियल डालना है और उसके बाद रेडी हैं ये चीज़ें पोजेशंस के लिए। सेवरेज देखें, सेवरेज डाल चुकी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो भी हो चुका हुआ है, अंडरग्राउंड वायरिंग है इसकी सारी। तो बेहतरीन किस्म की जनाब ये इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, प्लॉट्स महंगे हो चुके हुए हैं और ये बातें मैं आपको पिछले कुछ 4 माह से कह रहा हूँ कि आप लोग इसमें परचेजिंग कर लें। शायद पता नहीं आपको मेरी बातों पे तब यकीन नहीं आता है। और इस टाइम जो जनाब रेट्स चल रहे हैं, ये 5 मरले के यहाँ पर प्लॉट्स हैं। इस टाइम इधर आपको जनाब 5 मरले जो कॉस्ट कर रहा है वो तकरीबन आपको सी सेक्टर का नॉर्मल प्लॉट आपको 36-37 लाख से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड 50-55 तक इसका प्लॉट जाता है, डिपेंड अपॉन इट्स लोकेशन। ये देखें बीच में ग्रीन बेल्ट इन्होंने छोड़ी हुई हैं, तो अभी भी मौका है, ठीक है, इसने जाके टच करना है जनाब नॉर्मल। ये जब स्टैंड करेगा, ये आज आप मेरी बात लिख लें, ये आपको 55 के राउंड अबाउट मिलेगा एक्सक्लूडिंग इसके डेवलपमेंट चार्जेस। ये 55 पे स्टैंड करेगा और उसके बाद इसकी अगली जो जंप होगी वो 70-80 तक होगी 5 मरले की। क्योंकि DC कलोनी में देखें, DC कलोनी इससे बड़ा ब्रांड नहीं है, DHA से बड़ा ब्रांड नहीं है। अगर उधर इस टाइम 5 मरले का प्लॉट 80 लाख से ऊपर का है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये पोजेशंस के बाद ये चीज़ें उससे महंगी होंगी। ये अब इंशाल्लाह ये 2023 के अंदर इसके पोजेशंस होने जा रहे हैं। ये सी सेक्टर है, बिल्कुल इसके सीधा आप देख लें, जी सेक्टर भी डेवलप हो चुका हुआ है। मैं आपके साथ एक उसकी वीडियो भी शेयर करता हूँ, ये साथ मेरे चल रही होगी जी सेक्टर की भी। ये जनाब दोनों सेक्टर्स का पोजेशन होने जा रहा है इंशाल्लाह 2023 के अंदर अंदर। असल में थोड़ी मैनेजमेंट चेंज हुई है, लास्ट टीम जो थी वो चेंज हुई है, उनके टास्क में था कि उन्होंने लैंड प्रोवाइड करवानी थी और वो एक बहुत बड़ा मसला जो लैंड का बना हुआ था वो सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। जो प्रीवियस मैनेजमेंट थी उसने वो चीज़ें सॉर्ट आउट करवाई हैं। अब नेक्स्ट जो ये टेन्योर चल रहा है 3 साल के अंदर, जो इस मैनेजमेंट को टास्क दिया गया वो आपके 4 से 5 ब्लॉक्स का पोजेशन है, ठीक है, और पीछे से इन्होंने लैंड एक्वायरिंग भी बंद कर दी है। हमारे पास कनाल की इतनी को क्वेरीज आ रही हैं और आपको एफिडेविट फाइल आपको नहीं अवेलेबल है इस टाइम DHA गुजरांवाला के अंदर, कनाल का एफिडेविट नहीं मिल रहा है। और 10 मरले जो 47-48 पे चल रहा था वो 50+ हो चुका हुआ है। कनाल का तो आप कह ही नहीं ना सकते क्योंकि एक चीज़ आपको अवेलेबल ही नहीं है, उसका रेट नहीं बता सकते। 10 मरले 50 लाख से प्लस हो चुका हुआ है और ये आप देखेंगे कि 10 मरले यहाँ पर करोड़ से ऊपर स्टैंड करेगा, 1 करोड़ से ऊपर पोजेशंस के बाद। और कनाल ऑब्वियसली सी बात है, कनाल तो आपको 1.5 करोड़ के राउंड अबाउट जाके मिलेगी कहीं पर, तो राइट टाइम है। अभी भी मैं कहूँगा कि देर नहीं हुई है, राइट टाइम है, एक बहुत अच्छा मार्जिन है इन्वेस्टमेंट के लिए। और जो फिर लिविंग, तो DHA की लिविंग को तो कोई चीज़ मैच कर ही नहीं ना सकती है। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन्स के लिए हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऑन साइट वीडियोस मैं प्रोवाइड करता रहूं, आप लोगों तक पहुंचती रहें कि आपका प्लॉट किस जगह पर स्टैंड कर रहा है। इस टाइम DHA गुजरांवाला डिले ज़रूर हुआ है, उसकी रीजंस ये थी कि लैंड के इश्यूज थे, लैंड के मसले सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब आपके सामने यार सारा स्ट्रक्चर आपके सामने है, सेवरेज का काम हो चुका हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका हुआ है, सड़कें निकाल दी गई हुई हैं। अब इसके ऊपर बस उन्होंने वो लुक सी डालनी है और जनाब आपके प्लॉट्स पोजेशन के लिए रेडी हैं। तो ये 2023 के अंदर एक कमिटमेंट है DHA गुजरांवाला की
आपके सामने आके काम अभी भी तेज़ी से चल रहा है। सी और जी सेक्टर के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है, ठीक है। कनाल अगर आप बात करेंगे रेट्स के, मैं आपको बताता चलूँ, कनाल आपको तकरीबन इस टाइम जो मिल रही है वो तकरीबन 95 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ऑनवर्ड अगर आप मेन बुलेवार्ड जाते हैं या कोई लोकेशन वाला प्लॉट लेते हैं तो वो 130 तक आपको मिलता है, और 10 मरले जो है वो 65 से स्टार्ट हो रहा है। जो अच्छा प्लॉट है जी सेक्टर का 10 मरले का, वो तकरीबन 60-65 से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड 75-80 तक भी जाता है, डिपेंड अपॉन इट्स लोकेशन। और इसके अलावा 5 मरले के मैं आपको रेट्स बता चुका हूँ कि 36-37 से स्टार्ट हो रहा है और ऑनवर्ड 50-55 तक भी 5 मरले के प्लॉट हैं। राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। अभी भी डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया कि डीसी कॉलोनी में कनाल इस टाइम कितने की है। कंपैरिजन होता है हमेशा साथ वाली किसी सोसाइटी के साथ, साथ वाली किसी ब्रांड के साथ, तो इस चीज़ को ज़रा फोकस कीजिएगा। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे वली चीमा को इजाज़त दें 92 रेजिडेंस के प्लेटफॉर्म से। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ लाता रहूँगा, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।